नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश शर्मा रोड सेफ्टी फाउंडेशन मुंबई की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आमिर आलम। और आमिर आलम, आप कहां के रहने वाले हैं? वैशाली बिहार के रहने के लिए रहने वाले हैं। तो आज यहां ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं आप, तो ये किस चीज़ आपका ट्रेनिंग सेंटर का नाम मालूम है? रोड सेफ्टी फाउंडेशन। तो आप रोड सेफ्टी फाउंडेशन के कौन से लोकेशन के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने आए हैं? फरीदाबाद NCR दिल्ली के ट्रेनिंग सेंटर में आप आए हैं। तो यहाँ ट्रेनिंग फैसिलिटी कैसी है, ट्रेनिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ? जी बहुत अच्छा है। यहाँ रैक लगे हुए हैं ट्रेनिंग के लिए? जी रैक है, ट्रेनिंग अच्छे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग कैसी होती है यहाँ पर? अच्छी होती है। अच्छा, आपको कौन से सर ट्रेनिंग करवा रहे हैं? दो सर करवा रहे हैं, राहुल सर और अविनाश सर। राहुल सर और अविनाश सर। तो अविनाश, हाँ सॉरी राहुल राहुल, इनका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? ट्रेनिंग सर इनका बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, दो से तीन दिन में इनका क्लियर भी हो जाएगा। पर इन्हें टोटल आप उसके बाद प्रैक्टिस के लिए टाइम लेंगे। तो ये कितने दिन का ट्रेनिंग होने वाला है टोटल? इनका ट्रेनिंग तो वैसे 14 दिन का, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है इनके परफॉर्मेंस देख के 10 दिन में ये कम्प्लीट कर देंगे। 10 दिन में कम्प्लीट कर देंगे। वेरी गुड। तो आलम, आप बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? वैशाली जिले से रहने वाले हैं। तो आपके घर में कोई और भी है ये फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर या? नहीं, कोई नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, इससे आपको जॉब लग जाएगा? एक्चुअली मैंने कोर्स किया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वेयर हाउसिंग का। जी। तो मैंने कर रखा उसमें फॉर्कलिफ्ट का था, तो मैं कहीं जॉब के लिए गया था तो बोला कि अगर ये आता है तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। तो आप क्या इंडिया में जॉब देख रहे हैं या इंडिया के बाहर जॉब देख रहे हैं? तो इंडिया में, बाद में देखेंगे, फिलहाल इंडिया में। ओके, वो कोर्स में एक छूट गया था ये फॉर्कलिफ्ट, अगर ये हो जाएगा ट्रेनिंग कंप्लीट तो फिर इजीली जॉब मिल जाएगी उसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट। वेरी गुड। तो ये जो आप यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए? जी बोला गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको यहाँ से बना के मिल जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ ये फॉर्कलिफ्ट की ट्रेनिंग फीस आपको कितनी लगी? 12,000। 12,000 रुपये ट्रेनिंग फीस लगी। और ड्राइविंग लाइसेंस का क्या चार्ज लगा? ड्राइविंग लाइसेंस का तो सर अभी 4,500 से 5,000 के बीच में लगता है। ओके, वेरी गुड। एक बार आप जो कर रहे हैं वो करके बताएंगे आप मुझे? बेटा एक बार फिर चालू करें। जी सर। हाँ, क्या नाम है आपका? सर अरविंद प्रकाश। अरविंद प्रकाश, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं हरियाणा रेवाड़ी के। बड़ा जोश में बोलते हैं आप, एक वेरी गुड। जोश जरूरी है। वेरी गुड। तो ये कितने दिन हो गए यहाँ ट्रेनिंग करते हुए? सर 5वां दिन। और आपको यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस कहाँ से मिला? सर गूगल से आपको मिला। तो ये ट्रेनिंग जो है चल रही है, आपके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग 5वें दिन के हिसाब से बढ़िया चल रही है? बहुत बढ़िया सर, शानदार। तो अभी आप कौन से लेवल तक रैक पे मेटल चढ़ाना सीख गए हैं? सर मैं 2 नंबर और 3 नंबर रैक पे मेटल चढ़ा रहा हूं। ओके, आप ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं आप? अभी 3 नंबर लेवल पे हैं। जी सर। और टोटल आपने यहाँ 5 लेवल का ट्रेनिंग सीखना है? जी सर। तो अभी तक का ट्रेनिंग में आपको कोई, आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कोई और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? नहीं सर, ये एकदम परफेक्ट है। कोई दिक्कत परेशानी आपको? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, परफेक्ट है सब कुछ एकदम। तो राज सर जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, अविनाश जी, हाँ जी, उनका ट्रेनिंग में आपको सिखाने का तरीका अच्छा है? सर बहुत बढ़िया है, शानदार तरीके से सिखाते हैं सर। और उनका ट्रेनर्स का स्वभाव आपके लिए, बिहेवियर आपके लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है सर। प्यार से बात करते हैं ना? बहुत बढ़िया सर, एकदम प्यार से बात करते हैं, एकदम बढ़िया। वेरी गुड। तो आप जो 3 लेवल कर रहे हैं मुझे एक बार करके दिखाएंगे? जी सर। थैंक यू सो मच, करके दिखाइए प्लीज। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर रमन जायसवाल है। रमन जायसवाल, कहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं? मैं सर बाबा बद्रीनाथ से आया हूँ। बाबा बद्रीनाथ उत्तराखंड से आया हूँ। कौन सी मशीन सीखने के लिए आए आप? मैं VT। आर टी सीखने के लिए आए। कैसा ट्रेनिंग चल रहा है आपका? ट्रेनिंग बढ़िया चल रहा है सर। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है यहाँ पे? रहने की फैसिलिटी कैसी? बहुत बढ़िया। और यहाँ के जो ट्रेनर है सर, कुछ भी पूछो तो बहुत प्यार से, एक अच्छे से समझाते हैं सर। और ट्रेनर का जो
बहुत सी जगह हमने काम किया या देखा है किसी कंपनी में जो ट्रेनर या कोई ऑपरेटर होता है वो सर एक एटपन से बात करता है। यहाँ का ट्रेनर एक प्यार से और अच्छे से तरीके से समझाते हैं सर, और यहाँ रुकने की सुविधा बहुत बढ़िया है, बाकी सब अच्छा ही है। तो रहने का चार्ज आपने क्या पे किया है सर? रहने का चार्ज कितना चार्ज बताया गया आपको रहने की फैसिलिटी का? 1000 रुपीज़ 15 दिन रहने का। यस सर, वेरी गुड। और ये आपको आरटी जो सीख रहे हैं ये आपने इसके लिए कोई मतलब पहले से प्लान किया था कि इसके लिए कोई जॉब है आपके पास या आप जॉब ढूंढेंगे अभी ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद? सर ट्रेनिंग के बाद वहाँ हमारे यहाँ बतराना की मशीनें चलती हैं। हाँ हाँ, हमारे पास उधम सिंह नगर में शिडगुल है, रुद्रपुर में शिडगुल है। हाँ हाँ, घर के पास हमारे 350 किलोमीटर दूर हरिद्वार है। ओके, वहाँ पतंजलि की बहुत सारी मशीनें चलती हैं। राइट 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 राइट। तो आपको लगता है यहाँ से सीखने के बाद जॉब लग जाता है? 100% लगता है, क्योंकि सर जितने लोग यहाँ से गए उनको मैंने तो देखा 100% लोग जॉब करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच।